स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 13.7 जो कि मैग्नेटिज्म का है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप देखेंगे उस चैप्टर में कि ये सेगमेंट जो है, ये जो आप एक्टिविटी हम करने वाले किस सेगमेंट के अंदर है, यह फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि 2D में बना हुआ है इसलिए स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे इस एक्सपेरिमेंट को। तो उम्मीद है आपको अभी तक पीछे के लेक्चर पसंद आए होंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको जल्दी मिल सके। और पीछे के सारे वीडियोज़ देखने के लिए आप लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल सकती है जिसमें सारा हमने 10th के सिलेबस को कवर किया है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें है क्या, देखिए जैसा कि आप अपने फिगर में देख रहे हैं कि एक हॉर्स शू मैग्नेट है। तो पहले समझते हैं कि हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है। तो हॉर्स शू मैग्नेट एक यू शेप का इस तरीके से मैग्नेट है, एक यू शेप का इस तरीके से मैग्नेट है। इसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ऊपर, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही होती है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझना है कि अगर हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। ये हॉर्स शू मैग्नेट की खासियत है। अब हम जरा सा ये इस डायग्राम को समझते हैं कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। तो इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम 2D में बना हुआ है थोड़ी सी, इसलिए आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है। तो इस डायग्राम में क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, यहाँ से मैंने एक रॉड इस तरह से हैंग कर दिया, यहाँ नीचे एक रॉड हैंग कर दिया और उसके ऊपर ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, समझ गए। तो एक एग्जांपल लेके भी मैं बताता हूँ। तो चलिए देखिए, ये मान लेता हूँ कि ये एल्युमिनियम का रॉड है जो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ये वाला इसका इसका हिस्सा बी है, ये वाला इसका बी ए है, ठीक है। ये बी, ये ए, और बी और ए कैसे सस्पेंड हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे सस्पेंड हुआ है। मतलब एक रॉड ऊपर से ऐसे आ रहा होगा, इसके ऊपर एक वायर आ रहा है ऐसे लपेटा हुआ है, फिर इसके अंदर करंट जा रहा है, फिर ए से होते हुए करंट वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। मतलब ऊपर एक रॉड है जिसके सहारे एक वायर आ रहा है और ये वायर इसके ऊपर रैप किया हुआ है जो इसको करंट दे रहा है। बी से करंट ए की तरफ यानी आपकी तरफ जा रहा है और ए से करंट वापस होता हुआ फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। मतलब ये जो है इस तरीके से ऊपर दो वायर के सहारे सस्पेंडेड है। मतलब एक वायर यहाँ से बंधा हुआ है, एक वायर यहाँ से, और ऊपर इस तरह से एक वायर है और जिस पे स्टैंड लगा हुआ है और इस स्टैंड के सहारे ये सस्पेंडेड है। अब ये हॉर्स शू मैग्नेट कैसे लगा हुआ, तो हॉर्स शू मैग्नेट इस तरीके से लगा हुआ है स्टूडेंट, ऐसे जैसे मेरा हाथ है वैसे हॉर्स शू मैग्नेट लगा हुआ है। जो मेरा थंब है ये नॉर्थ पोल है और जो मेरा फिंगर है ऊपर वो साउथ पोल है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर। और देखिए स्टूडेंट, अभी आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है बी से करंट आ रहा है, क्योंकि बी वाला हिस्सा जो है आप पिक्चर में देखिए, बी वाला हिस्सा किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ए वाला हिस्सा किससे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो यानी करंट ऐसे आ रहा है, इस रॉड के अंदर ऐसे जा रहा है, फिर वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो यानी एक बात समझना है सिंपल, इसमें करंट जा रहा है आपकी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्योंकि मेरा थंब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, थंब नॉर्थ पोल है और मेरा फिंगर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस वायर के ऊपर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल अब समझते हैं इसको। यानी ये करंट जा रहा है आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। तो जरा देखते हैं, अगर इस तरीके से वायर रखा हो तो इस वायर के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, देखा जाए जरा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करें, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल क्या कहता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट है, तो ये हमें फोर्स देता है। जो हमारा फोर फिंगर है अगर हम पॉइंट करें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब हमारे मिडिल फिंगर को पॉइंट करें करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा थंब क्या देता है, फोर्स देता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे से ऊपर, अभी हमने देखा नीचे से ऊपर। तो मैं अपने फोर फिंगर को ऊपर कर लूँ, करंट किधर है, करंट है आपकी तरफ, यानी ये वाला फिंगर आपकी तरफ होना चाहिए, तो मैंने ऐसे कर लिया, ये वाला फिंगर आपकी तरफ। अब देखिए सब फिट बैठ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, करंट है आपके डायरेक्शन में, तो थंब किधर आ रहा है, थंब आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो यानी इस समय ये कंडक्टर का जो इस तरीके से रखा हुआ है, ये किधर जाएगा, इधर की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, यानी ये हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर चला जाएगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से ऐसे अगर लटका हुआ तो ऐसे अंदर जाने की कोशिश करेगा, अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, मान लीजिए स्टूडेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट का है कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, इसी एक्सपेरिमेंट के आगे पार्ट में कहा है कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहले जो स्टूडेंट करंट बी से ए में जा रहा था, अब ए से बी में जाएगा, तो यानी ए वाला हिस्सा इधर है, बी वाला हिस्सा इधर, तो करंट अब पहले आपकी तरफ जा रहा था और आपसे दूर जाएगा, यानी करंट जाएगा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है क्योंकि हॉर्स शू मैग्नेट का डायरेक्शन नहीं चेंज किया है। तो ये अभी भी थंब मेरा क्या है, नॉर्थ पोल, और ये फिंगर क्या है, साउथ पोल। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे से ऊपर। तो जरा देखिए अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फिर से लगाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर ही है, जैसा आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, ठीक। अब हम देखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन किधर है, करंट किधर जा रहा है, अंदर। मतलब देखिए इसको पॉइंट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को पॉइंट करेंगे, ऐसे पॉइंट कर लिया, तो थंब किधर आया, राइट में। यानी इस सिचुएशन में ये जो वायर
वायर है, जब इसमें करंट बी टू ए में जाएगा तो ये करंट इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द वायर। तो ये इससे ये प्रूफ होता है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है। और इस सिचुएशन में जैसे हमने देखा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो फोर्स आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी नीचे से ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे जा रहा था ऐसे, तो फील्ड कैसे जा रहा था इधर, यानी मैग्नेटिक फील्ड थी ऊपर, करंट जा रहा था ऐसे, तो फोर्स किधर आया इधर। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे तो फोर्स भी इनके 90 डिग्री पे आया, दूसरे सिचुएशन में राइट गया तो भी 90 डिग्री पे आया ना। तो ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं और सिंपल जैसा मैंने समझाया आप इजीली इसको समझ सकते हैं। बस ये 2D में है जिसके कारण आपको समझने में दिक्कत है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।